नमस्ते, मेरा नाम अलिया है। आज मैं आपको तीन दोस्तों के एक साहसिक किस्से के बारे में बताऊंगी। कहानी का नाम है मिस्टिक बॉन्ड्स फॉरबिडन फॉरेस्ट एडवेंचर। तो आइए शुरू करें। एक समय की बात है, एल्डोरिया नामक एक सुखद शहर में तीन सबसे अच्छे दोस्त एला, जैक और लियम एक उज्ज्वल चारों ओर के अग्निकुंड के आसपास बैठे थे। उन्हें एक शानदार रोमांच के लिए बहुत उत्सुकता थी। एला, जो रोमांच से प्यार करती थी, बोली, अरे दोस्तों, चलो हम निषिद्ध वन का अन्वेषण करें। लोग कहते हैं कि वह अद्भुत रहस्यों से भरा है। जैक, प्रैक्टिकल दोस्त, थोड़ा चिंतित दिख रहे थे और बोले, फॉरबिडन फॉरेस्ट? सच में? सुना है ये थोड़ा स्पूकी और मिस्टीरियस है। एला मिस्चीवसली मुस्कुराई और जवाब दिया, वो ही तो इसे परफेक्ट बनाता है एक एडवेंचर के लिए। बस सोचो हमें कितनी मास्ट कहानियाँ सुनानी पड़ेगी। आर यू गाइज इन? लियम, थॉटफुल फ्रेंड, ने ऐड किया, अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें एक प्लान चाहिए। हम सीधे फॉरेस्ट में नहीं जा सकते बिना तैयारी के। अगला दिन तीनों फ्रेंड्स ने अपने बैकपैक्स में स्नैक्स भर लिए और एल्डोरिया के किनारे की ओर निकाल पड़े। उन्होंने बातें इनकी और हंसे, यात्रा बहुत मजा आया। जब वो फॉरबिडन फॉरेस्ट पहुंचे, चीजें थोड़ी डरावनी लगने लगी। पेड़ लंबे थे और वहां अजीब सी आवाजें सुनाई दी। एला, ब्रेवे फील करते हुए, एक सिंपल मैप मिट्टी में बनाया उन्हें गाइड करने के लिए। जैसे ही वो गहरे में चलने लगे, वन और अंधेरा होता गया और दोस्तों को थोड़ा नर्वस फील होने लगा। लेकिन एला ने कही, ये ही है दोस्तों, हमारा रोमांच अब शुरू होता है। उनके पैरों के नीचे ट्विग्स क्रैक होने की आवाजें आई, जो डरावनी आवाजों को बना रहे थे। वन जिंदा सा लग रहा था, पुरानी कहानियों की गुनगुनाहट और गूंज से भरा हुआ। अचानक लियम रुका और एक पेड़ की तरफ इशारा किया, जिसमें एक रिडल लिखा था। उसने पढ़ा, जहाँ छायाएं नृत्य करती हैं, रहस्यों की नाचती हैं और समय एक रहस्यमय रूप लेता है। वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह क्या मतलब है। एला ने एक पल के लिए सोचा और कहा, शायद यह वन के दिल के लिए एक संकेत है, जहाँ वास्तविक रोमांच है। संकेत का पालन करते हुए उन्होंने एक जादुई खुला पाया, जिसमें उज्ज्वल क्रिस्टलों से ढंका एक चमकदार पेड़ था। ये एक परी की कहानी की तरह था। दोस्तों ने आश्चर्य महसूस किया, लेकिन जैसे ही वे करीब आए, एक अजीब सा संगीत बजने लगा और वन के प्रेतों ने उनके चारों ओर नृत्य किया। ये बहुत मोहक था, लेकिन दोस्तों ने जल्द ही समझ लिया कि वन को कुछ प्रतिदान में चाहिए। प्रत्येक दोस्त को उनकी पसंद की कुछ चीज के बीच चुनना पड़ा। एला ने अपने दोस्तों की रक्षा के लिए रोमांच से प्यार त्यागने का चयन किया। सूरज निकलने पर जादू ढल गया और दोस्त खुद को निषिद्ध वन के किनारे पर पाए। वे एक दूसरे को देखते रहे, जानते हुए कि उन्होंने जो रोमांच की कीमत चुकाई है, उसका अनुभव किया। हालांकि यह थोड़ा उदासीन था, लेकिन उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सीखा। वे एल्डोरिया में एक मजबूत दोस्ती और एक नई समझ के साथ वापस लौटे, एक दूसरे की देखभाल के बारे में। जब वे अपनी कहानी को शहर के अन्य बच्चों के साथ साझा करते, तो सभी लोग उन उत्सुकता भरे रहस्यों के बारे में सोचते रहे, जो उन्हें बाहरी एल्डोरिया में इंतजार कर रहे थे। कहानी समाप्त हो गई, लेकिन बच्चे अपने खुद के रोमांच से भरे सपनों के बारे में सोचते रहे, जो रहस्यों और आश्चर्यों से भरे होते हैं। कहानी कैसी थी? कृपया कमेंट करें और मत भूलें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय।